हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा नाम है मुशरफ सैयद। अमेज़न, आज हर एक बच्चा जानता है इस कंपनी को। ये कंपनी विदेश की तो है, लेकिन इंडिया में 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा ये टर्नओवर करती है। अगर हम इसके डिटेल में चले जाएं, तो ये जान सकते हैं हम कि सबसे बड़े कंपनियों में से भी ये कंपनी आती है। आज अमेज़न ई कॉमर्स बिजनेस में नंबर वन पे है। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, आपका फ़ायदा इसके अंदर है, मैं यही इस बात को लेके आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। अमेज़न एक सबसे बड़ी कंपनी है, ये सभी लोग जानते हैं। इसका टर्नओवर भी बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा खासा है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इसके अंदर से भी हम फ़ायदा ले सकते हैं, अमेज़न से भी हम फ़ायदा ले सकते हैं, वो भी बिना इन्वेस्ट किए, वर्क फ्रॉम होम करके। आप कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में भी होके आप इस अमेज़न बिजनेस को चला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप महीना 50,000 से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये कैसे होगा, हम लोग आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर पूरा डिटेल में बताएंगे। डरिए मत, हम आपको मोबाइल के अंदर भी दिखाएंगे कि कैसे करना है। आपके पास एक छोटा सा मोबाइल हो या फिर एक लैपटॉप हो तो आपका काम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना। तो अभी हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो ये पहले मैं बता दूं कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब आप 10th पास हो गए हो या फिर थोड़ी एजुकेशन आपकी बीच में ही अटक गई हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, जो कोई भी हो, हर एक आदमी इसको कर सकता है। तो पहले से हम इसको देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र आप खोल लीजिए, मैं यहाँ पे क्रोम का ब्राउज़र यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है Amazon.in। दोस्तों, Amazon.in को सर्च करने के बाद आपको एक इस तरह से इस तरीके का पेज मिलेगा। तो यहाँ पे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर या फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यूज करूंगा। जैसे ही आप एक्सेस करेंगे इसको, आपको एक ओटीपी आएगा। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि लॉगिन हो चुका हूं मैं। तो अभी यहाँ पे नीचे आपको आना है, जैसे कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको नीचे आना है, सीधे सीधे ऐसे नीचे आके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिकम एन एफिलिएट बोल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकम एन एफिलिएट बोल के एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इसके ऊपर क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा दोस्तों, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स अर्न एडवर्टाइजिंग फीस। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनने का ये काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि ऐसा कुछ स्टेप बताया गया है, साइन अप करने के बाद रेकमेंड अर्न। तो इसके इसके साथ आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी वीडियो में दिखाया है, वैसे ही फॉलो करते रहिए फ्रेंड्स, तो आपको आसानी होगी अपने अकाउंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं साइन अप। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। यहाँ पे जो भी आपको मांगेगा, जैसे कि नाम हो गया, एड्रेस हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, कंट्री हो गया, जो भी आपको मांगेगा, तो यहाँ पे आपको सभी देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो ऐसे ही आपको देना है, बस आपको ऐसे करते हुए नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हु इज द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट द पे लिस्टेड अबव, हमें मैंने सिलेक्ट किया है यूएस एप्स को, इसको नो कर देना है बस आपको। यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट, यानी कि दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप अकाउंट है, आप अपना ब्लॉग चलाते हो या फिर आपका वो वेबसाइट हो
या फिर आपका एक कोई फेसबुक अकाउंट हो, तो यहाँ पे आप उसका लिंक डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अपने फेसबुक अकाउंट का लिंक डालने वाला हूँ। मेरा एक फेसबुक पे पेज है फ्रेंड्स, नंबर वन न्यूज कनाडा बोल के, तो आप वहाँ पे उसको भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही काम का है फ्रेंड्स वो चैनल। तो यहां से मैंने लिंक कॉपी कर ली और यहाँ पे उसको डाल दिया। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप लिंक आपके जितने भी हो, वेबसाइट हो या फिर कुछ भी हो, आप यहाँ पे अपने लिंक डाल सकते हैं। और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर वगैरह, कुछ भी मोबाइल ऐप बनाया है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने बनाया नहीं है, तो फिर मैं सिर्फ अपने अकाउंट का लिंक डाल रहा हूँ जो कि हमारे पेज का अकाउंट है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे सीधे। तो यहाँ पे आपको एक प्रेफर्ड एसोसिएट आईडी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर या फिर कुछ भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर अपनी जीमेल आईडी डाल लीजिए। मैं यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी डाल रहा हूँ। तो ऐड वगैरह कुछ लगाना नहीं है, बस इतना ही करना है। आपको मोबाइल ऐप नहीं है तो आप इसको ही ब्लैंक छोड़ देना, और इसको अकाउंट का लिंक आप यहाँ पे दे रखा है तो उसको वही वहीं पे रहने दो। व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स अबाउट? तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट, आई रन वेबसाइट, आई रन अ न्यूज वेबसाइट करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर मोबाइल ऐप्स, ऐसा कुछ पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ब्रॉडकास्टिंग या फिर कुछ भी। यहाँ पे अपनी आपको कैटेगरी चूज करनी है, अच्छे से देख के यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। तो हमारा जो है न्यूज़ है तो यहाँ पे वो दिखा नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे अपने सोशल नेटवर्किंग साइट करके डाल देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं हम वैसे ही कर लेंगे। तो ऐसे करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ पूछेगा, वो इसके अंदर कुछ सिलेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट टाइप ऑफ अमेजॉन आइटम्स डू यू इंटेंडेड और टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, ऐसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मूवीज, गेम्स, टॉयज, ग्रोसरीज, क्लोथ्स, टॉयज, कंप्यूटर्स, ऑफिस, होम, गार्डन, बुक्स, ऐसे सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है मैंने। तो आपको भी पूरा सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। व्हाट टाइप आर ऑफ योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स? तो यहाँ पे आपको वेब पोर्टल या फिर वेब ब्राउज़र, सोशल मीडिया पेज, ग्रुप, ऐसे कुछ सिलेक्ट कर देना है। तो मैंने भी यही किया है, तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट? तो आपका एडवर्टाइजमेंट, हमारा मतलब अमेजोन की जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होगी आप वो कैसे करेंगे वो पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कर देंगे, सोशल नेटवर्क कर देंगे, जैसे आपको आसानी हो सकती है वैसे कर दीजिए फ्रेंड्स। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि हम ऐसे ही करेंगे बोल के, अदर कर देना, फोरम्स लिख देना, पेड कर देना, ऐसे कुछ करने के बाद सेलेक्ट करके तो यहाँ पे नीचे आ जाना आप। हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड एप्स टू जनरेट इनकम? तो ऐसे पूछेगा, तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। अमेजोन एसोसिएशन मोनेटाइजेशन आई यूज, तो इसको सिलेक्ट कर देना तो बहुत ही आसानी होगी आपको आगे जाके। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है ब्लॉगर, एडिटर, HTML, आपको कौन सा, आप मतलब कौन से वेबसाइट से आपने ऐसे किया है, मतलब वेबसाइट आपने किस तरीके से डेवलप किया है पूछ रहा है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, HTML एडिटर, मैनुअली वाया टेक्स्ट एडिटर, ऐसा कुछ पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे अदर चूज कर लेता हूँ। हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर डू यूर वेबसाइट एंड ऐप सिलेक्ट पर मंथ? तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, मेरे मेरे महीने में 5 लाख के ऊपर आ जाते हैं, तो मैं ऐसे ये पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम? तो यहाँ पे यूजफुल कंटेंट फॉर माई साइट, टू मोनेटाइज माई साइट, तो मैं टू मोनेटाइज माई साइट करके चूज कर लेता हूँ। डिड यू हियर अबाउट दिस? तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी चूज कर लीजिए। ऑनलाइन सर्च या फिर फ्रॉम अमेजोन साइट, वर्ड ऑफ माउथ, ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स वगैरह सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये सब नहीं कर सके, नहीं टिक करेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार एसोसिएट प्रोग्राम ऑपरेटिंग अग्रीमेंट पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ लिया है तो मैं उसको पढ़ूंगा नहीं फिर से, तो मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया इसको। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द अमेजोन डॉट इन एसोसिएट प्रोग्राम, योर यूनिक आईडी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक आईडी बनानी होती है पहले में, तो वैसे ही मैंने एक आईडी बना दी। तो एंटर यूर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहा है। यू मे ओकेजनली नीड टू प्रोवाइड एसोसिएट आईडी टू वेरीफाई योर अकाउंट विद अस। योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यू शॉर्टली आफ्टर यू हैव रेफर्ड द क्वालिफाइड सेल्स टू अमेजोन डॉट इन। इसको एक बार पढ़ लेना फ्रेंड्स, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको एंटर यूर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये जो है, अगर ऐसा आपने सब डिटेल्स भर दी है, मतलब जैसा आपका वेबसाइट है, कौन सी कैटेगरी का वेबसाइट है, आप किस तरह के एड्स वहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं, ये सब डालने के बाद आप जब नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो ये रिव्यू पे चला जाएगा। अभी मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू पे चला गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्टली आफ्टर यू रेफर्ड द क्वालिफाइड सेल्स टू अमेजोन डॉट इन योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड। तो ये रिव्यू के लिए चले गया है, तो एक दिन ले सकता है, बहुत हो गया। तो यहाँ पे आपको अगर पेमेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं पासवर्ड एक बार डाल देता हूँ। ये सभी इंफॉर्मेशन फिल कर देना फ्रेंड्स। अगर ये सब कर देंगे तो जल्दी से जल्द आपका अकाउंट और ये सब वेरीफाई होके आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, अभी मैं पेमेंट के बारे में बता रहा हूँ, पेमेंट को आपको कैसे ऐड करना है। तो पे मी बाय नेफ्ट, मतलब 1000 रुपीज होने चाहिए मिनिमम अर्निंग्स। तो इसको टिक कर देते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसे ओपन होगा, तो बैंक लोकेशन, इंडियन रुपीज, करेंसी, सब सब कुछ चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको मेरा नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये अपना नाम दे दिया, तो बैंक अकाउंट नंबर भी डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने पूरे अपने अकाउंट के डिटेल्स दे दिए हैं। तो सबमिट एंड कंटिन्यू विद टैक्स इंफॉर्मेशन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये सबमिट हो जाएगा। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अमेजोन डॉट इन है ये, तो इंडिया का ही होगा ये। तो यहाँ पे बिफोर वी कैन पे यू, वी मस्ट हैव योर टैक्स इंफॉर्मेशन। नोट दैट ओनली द प्राइमरी अकाउंट होल्डर कैन एंटर दिस इंफॉर्मेशन। एनी अपडेट टू टैक्स इंफॉर्मेशन आफ्टर 15th इन दिस मंथ विल बी इन इफेक्ट ओनली फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। प्लीज इग्नोर दिस मैसेज इफ टैक्स इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी सबमिटेड। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टैक्स इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। इंडिया करंट टैक्स डिटेल्स मतलब ये नहीं है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ से ये आपको टैक्स के बारे में पूछेगा। प्लीज प्रोवाइड योर प्रॉपर्टी बिजनेस नेम इफ एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल हैं, आप एक सोशल मीडिया पेज चलाते हैं, तो जो भी आपके सोशल मीडिया का पेज का नाम है, मैं यहाँ पे हमारे पेज का नाम दे देता हूँ।
यहाँ पे हमारा एक न्यूज का चैनल है, तो मैं इसका ही डाल देता हूँ, प्लीज प्रोवाइड। तो यहाँ पे कंट्री तो अपने आप ले लेगा, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रोवाइड यूअर पैन कार्ड नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, पैन कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। पैन कार्ड अगर नहीं है तो आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते आगे, मतलब 18 साल के हो गए हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। ऐसे जब एक्सेस करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड नंबर भी दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड नंबर दिया। डू यू हैव अ लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी? नो कर देते हैं यहाँ पे हम दोस्तों। प्लीज प्रोवाइड योर जीएसटी नंबर, ऑप्शनल है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ऑप्शनल ही है, तो हम इसको कुछ डालेंगे नहीं। सिग्नेचर टाइप योर फुल नेम, आपका यहाँ पे जो भी फुल नेम है आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो मैं अपना फुल नेम दे देता हूँ। तो ये डेट अपने आप ले लेगा। तो यहाँ पे आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही सही, तो सबमिट कर देंगे यहाँ पे। अगर ये सब प्रोवाइड कर दिया है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरव्यू, कंट्री, इनकम टाइप, सर्विस स्टेटस कंप्लीट, विथ होल्डिंग रेट 75%, तो ये सब भी हो जाएगा। तो इतना होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस रिव्यू के बाद आपको एक मेल आएगा। तो उस मेल के आने के बाद आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, तो जो एक्सेस करेगा आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट को, तो वहाँ पे आप अपना अकाउंट चेक करके वहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। तो यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, बिकॉज अभी इसके अंदर तो मेरा पेज रिव्यू के ऊपर चला गया है। तो वहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा, मतलब लिंक आपको मिल गया है एक बार, तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि कैसे आगे करना है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। बस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही हो, मतलब कि मैं बहुत ही गड़बड़ कर रहा था बोलते वक्त, क्योंकि मैंने कभी ज़्यादा बोला नहीं है, तो अगर आपको कुछ बड़बड़ लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी इफ यू आर कन्फ्यूज, आई एम रियली सॉरी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। थैंक यू।